गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर 18 ऑफ यूनिट 4। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड गो टू पेज नंबर 89। आज हम एक्सरसाइज 4.5 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स बाय द डिवीजन मैथड। हमें जो नंबर दिए गए हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय द डिवीजन मैथड से। अब डिवीज़न मेथड क्या होता है ये देखिए, ये एग्जांपल 3 देखिए, पेज नंबर 87। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 बाय द डिवीज़न मेथड। ये आपका डिवीज़न मेथड है, ठीक है। इसको हम पेपर पे करके देखेंगे इसका क्वेश्चन। ए पार्ट करेंगे, नाइन्टी सिक्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे डिवीज़न मेथड से। तो हम यहाँ पे 96 लिख देंगे। अब हम 2 से 96 को डिवाइड करेंगे। ऐसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये आपका रफ वर्क होगा। 96 टू से हम 96 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले 9 से 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 into 1 2 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 8 9 से कम है, 2 into 5 10, 10 9 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें 2 के टेबल में 16 कब आता है, जब हम 2 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ते हैं तो 16 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे और रिमाइंडर आपका यहाँ कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। तो ये 48 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही अब 2 से हम 48 को डिवाइड करके देखेंगे, है ना। फिर 2 से हमने जब 48 को डिवाइड करके देखा तो यहाँ पे 24 आ गया। अब 2 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 आ गया, 3 तो ऑड नंबर है आपका, तो इवन नंबर से ऑड नंबर तो डिवाइड होता नहीं है। तो यहाँ पे हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये 1 आ जाएगा। एंड में आपका यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। अब जो ये हैं, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको आप यहाँ पे जब इंटू करके देखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 इक्वल्स टू 96। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है, 96 के। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। बी सी डी ई एफ जी एच पार्ट में आपको समझा देती हूँ। 165 के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हम 165 यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम 2 से तो डिवाइड होगा नहीं 165, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 165 को। अब हमें 3 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 16 से कम आए, तो फिर हम 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 5 15, 15 16 से कम है, ठीक है। 3 into 6 18, 18 ज़्यादा हो जाएगा 16 से, तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। यहाँ पे 15 लिख दिया और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे क्योंकि 3 into 5 15 होता है। फिर यहाँ पे हम इसको माइनस 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 1 यहाँ पे लिख देंगे और ये 5 को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें फिर से 3 का टेबल पढ़ना है कि 15 आए या फिर इससे कम या ज़्यादा नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। तो 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 5 15, तो हमें तो 15 पूरा मिल गया। तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे, तो ये 165 जो है 3 से 55 टाइम्स डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमने 55 लिख दिया।
अब 55 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में, ना 4 के टेबल में, 5 के टेबल में आएगा। ठीक है, 5 से हम 55 को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स हो जाएगा। कैसे? 5 × 1 5, ठीक है, 5 × 1 5, और यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। और 11 भी नहीं आता है किसी के टेबल में तो फिर 11 को हम 11 से ही डिवाइड कर देंगे, ये 1 आ जाएगा और ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 165 के। जब आप इंटू करेंगे 3 × 5 × 11 तो आपका जो प्रोडक्ट है वो 165 निकल के आएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।